हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक क्लासिक ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट पावलोवा। ये डेजर्ट बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बन जाती है और ये कॉफ़ी फ्लेवर्ड पावलोवा है, तो कॉफ़ी लवर्स डेफिनेटली इसको पसंद करने वाले हैं। तो चलिए बनाते हैं कॉफ़ी पावलोवा। ये एक मरांग बेस्ड डेजर्ट है, तो सबसे पहले हम एक क्लीन बाउल लेंगे और उसमें डालेंगे 4 एग वाइट्स। ये रूम टेम्परेचर पर होने चाहिए। अब इसमें ऐड करेंगे एक चुटकी नमक और फिर इसे विस्क करेंगे मीडियम टू हाई स्पीड पे। अब ये एग वाइट थोड़ा सा फ्लफी हो गया है, तो अब हम इसमें मिलाएंगे एक कप कास्टर शुगर या सुपर फाइन शुगर। इसे हम थोड़ा थोड़ा करके मिलाते जाएंगे और इसे विस्क करते जाएंगे। इस एग वाइट को हमें तब तक बीट करना है जब तक कि इसमें एक अच्छा सा ग्लॉसी शाइन ना आ जाए और ये स्टिफ पीक में ना बदल जाए। अब हम इसको फ्लेवर देंगे कॉफी के साथ। ये 4 टीस्पून इंस्टेंट कॉफी पाउडर है। अब इसमें मिलाएंगे हम कॉर्नस्टार्च 2 टीस्पून और फ्लेवर के लिए 1 टीस्पून वनीला एसेंस। इसमें कॉर्नफ्लावर हम इसीलिए मिलाते हैं ताकि एग वाइट स्टेबलाइज रहे और ये पकने के बाद अंदर से सॉफ्ट और मॉइस्ट रहे। अब लास्ट हम इसमें मिला रहे हैं 1 टीस्पून वाइट विनेगर। अब इसको हम विस्क करेंगे लो स्पीड पे। ये देखिए, हमारा पावलोवा का बेस तैयार है। स्टिफ पीक बन चुके हैं और ये ग्लॉसी भी हो गया है, तो चलिए अब इसे बेक करते हैं। ये देखिए, मैंने एक बेकिंग ट्रे को पार्चमेंट पेपर के साथ लाइन कर लिया है। अब ये सारा मरांग इसके बीचों बीच जाएगा और इसे हम एक राउंड शेप देंगे जो कि एक ट्रेडिशनल पावलोवा का शेप होता है। अगर आपको आज की ये डेजर्ट रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ उसे लाइक करना ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ एक बार मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। पावलोवा को बेक करने के लिए मैंने पहले से ही अवन को प्री हीट करके रखा हुआ है 180 डिग्री पे। जब हम एक बार पावलोवा को अंदर रख देंगे उसके बाद हम अवन का टेम्परेचर कम कर देंगे 160 डिग्री पे और इसे बेक करेंगे 1 घंटे के लिए। और उसके बाद पावलोवा को पूरी तरह अवन के अंदर ही हमें ठंडा करना है, उसके बाद ही निकालना है। ये देखिए, पावलोवा बेक हो चुका है और ठंडा भी हो गया है और इसमें आप देख सकते हैं बहुत सारे क्रैक्स आ गए हैं। ये एक गुड साइन है कि अच्छे से बेक हुई है। अब इसे हम एक केक स्टैंड या एक बड़े से प्लेटर में निकाल लेंगे। उस वक्त भी इसमें बहुत सारे क्रैक्स आ सकते हैं जैसे कि आप देख रहे हैं, लेकिन डोंट वरी, ये सिर्फ इसका ऊपर का क्रस्ट है जो क्रैक हुआ है। अब हम इसके ऊपर व्हिप्ड क्रीम लगाएंगे। मैंने यहाँ नॉन डेयरी व्हिपिंग क्रीम ली है जो कि ऑलरेडी मीठी होती है और फ्लेवर भी होता है उसमें। अगर आप डेयरी क्रीम इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको व्हिप करते वक्त उसमें अपने टेस्ट के मुताबिक चीनी और वनीला ज़रूर ऐड करें। व्हिपिंग क्रीम को पावलोवा के ऊपर अच्छे से फैला लेने के बाद अब हम इस कॉफ़ी फ्लेवर को कॉम्प्लीमेंट देने के लिए इसे डेकोरेट करेंगे चॉकलेट शेविंग्स के साथ। तो लीजिए, तैयार है क्लासिक ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट पावलोवा विद अ ट्विस्ट ऑफ कॉफी फ्लेवर।
ये देखिए सॉफ्ट लाइट इनसाइड और क्रिस्पी क्रस्ट आउटसाइड और साथ ही ढेर सारा व्हिपिंग क्रीम और चॉकलेट। बहुत ही लाइट और मेल्ट इन योर माउथ डेजर्ट है और इसे बनाना भी आसान है, तो इसे ज़रूर ट्राई करें। अगली बार एक नई रेसिपी के साथ मिलते हों, तब तक कीप वॉचिंग एंड कीप कुकिंग।